आदरणीय परम पूज्य प्रभात जी, यशवंत जी और मज्जा सिंह हमारे बड़े पिता तुल्य और मेरे सामने बैठी युवा शक्ति, मेरा मानना यह है कि युवा शक्ति सिर्फ कोई दाढ़ी सफेद होने से नहीं होती। युवा का जज्बा होना चाहिए, वो कितने साल का भी हो। 80 साल के कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में वो ध्वजा लहराई, उसको हम युवा राजा ही कहेंगे। वो अपने आप में युवा शक्ति। साथियों, जब भ्रष्टाचार की बहुत बहुत बड़ी बातें हो रही है, हम रिश्वत की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कार्यालयों में लेन देन हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मैं एक बात प्रश्न आप सबसे पूछता हूँ कि क्या हमने गए राजा को माफ कर दिया है? 1.56 लाख करोड़ का घोटाला करने वाला राजा आज आपकी दबाव के कारण जेल के कारण जेल के अंदर है। मात्र 2016-12 में 34 करोड़ के कॉमनवेल्थ होने थे, 2017 को 70,000 करोड़ रुपए पहुंच जाते हैं। उन कॉमनवेल्थ के घोटालों में जिनका हाथ है, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उनमें 3 लोगों का हाथ है, मनमोहन, सोनिया और राहुल गांधी। इसलिए विचार कीजिए, हमने कहा 1919 में जलियांवाला बाग हुआ, ऐसे ही मैदान में जो एक जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी, सैकड़ों हजारों हमारे युवा हमारे देशभक्तों पर गोलियां चलाई। इस पर विचार करी थी, वो दिमाग किसका था? हम मानते हैं कि वो दिमाग एक विदेशी शहर का हो सकता है। हाँ, परंतु उसको हाथ जो थे वो हमारे किसी अंग्रेजी भारतीय के थे। आज वही 4 जून को रामलीला मैदान में निहत्ते निर्दोष लोगों पर लाठियां बरसाई जाती है, वो दिमाग तो विदेशी था, परंतु उन पर लाठियां बरसाने वाले तो हमारे भारतीय थे। उन भारतीयों को भी कहना चाहता हूँ कि श्रम कीजिए, उस विदेशी सत्ता को सोचिए, उसको त्यागने का प्रयास कीजिए। मित्रों, आज व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है, कुछ न कुछ परिस्थितियां बन रही है। 1947 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके बाद हमारे युवाओं को क्या पढ़ाया जा रहा है? आज भी कहा जाता है, यदि हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, यदि हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मैं पूछना चाहता हूँ कि 1857 से 1947 तक 6 लाख लोगों ने बलिदान किया, इसी मेवात की धरती से सैकड़ों युवा मेवों ने बलिदान किया, उनकी आहुति, उनका प्रतिदिन सिर्फ क्या साबरमती का संत है। इस देश के भगत सिंह, नौजवान सुखदेव, राजगुरु, वो कहाँ गए? उनकी शहादत कहाँ गई? इसलिए देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने की जरूरत है, तब ये भ्रष्टाचार खत्म होगा। सिर्फ भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं है, एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई 2014 में, मैं एक बार फिर कहूंगा और एक बधाई देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ, उनके चरणों में अपना नमन करना चाहता हूँ। ऐसे बाबा रामदेव और अन्ना हजारे ने इस देश की युवा शक्ति को धकेल के रखा है। आपको विश्वास होगा, आपको पता है, हम अखबार में रोज पढ़े हमने कि कितने सैकड़ों की संख्या में आज के दिन भी एक अनुमान लगाया तो लगभग 40 लाख लोग इस समय सड़कों पे हैं। हम यहाँ सैकड़ों की संख्या में हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, हरियाणा के हर जिले में, पूरे देश भर के 700 से ज्यादा जिलों में अभी प्रदर्शन चल रहे हैं। हजारों लोग आज उन सड़कों में हैं। कारण कि हमारे दिल में कोई दर्द है, भ्रष्टाचार के विरोध में हमारे दिल में दर्द है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारी गाड़ी कमाई, एक जब हम बीडी का बंडल लेते हैं तो उससे निकलने वाला इनकम टैक्स, हम एक मोबाइल रिचार्ज कराते तो उसमें से जो हमारा एक टैक्स लिया जाता है सरकार, वो एक सोनिया गांधी लूट रही है और हम यहाँ चुप बैठे हैं। अब ऐसा नहीं होगा। इस देश की युवा शक्ति ने पहचान लिया है, इस देश की युवा शक्ति, उस वानर सेना ने अपनी शक्ति, हनुमत शक्ति ने अपने आप को जान लिया है। और इस देश की युवा शक्ति अब 2014 में सरकार को जवाब देगी। एक अन्ना हजारे ने कांग्रेस की नाक रगड़वा दी, अब पूरा देश अन्ना हजारे बनेगा। और इस देश से उस वर्तमान केंद्र सरकार को चुनौती में देना चाहता हूँ, इस मंच के माध्यम से, झूठ समेत करप्शन के मंच के माध्यम से मैं चुनौती देना चाहता हूँ कि 2014 ज्यादा दूर नहीं है, मात्र 1.5 साल है। 1.5 साल में आप जितना जोर लगा लीजिए, इस देश की युवा शक्ति आपको माफ करने वाली नहीं है। और मैं आप सबसे आह्वान करता हूँ कि अब इस जज्बे को यहाँ शांत मत होने दीजिए, इसको एक ज्वाला बना दीजिए। हर आदमी के अंदर एक ज्वाला बढ़नी चाहिए, उस ज्वाला को लेकर हम सब
खड़े हूँ, मैं एक कवि की एक बात कहना चाहता हूँ कि अतीत से सवाल नहीं होते, अतीत जवाब नहीं देता। अतीत से सवाल नहीं होते, अतीत जवाब नहीं देता, मिट्टी से ही। अतीत जवाब नहीं होता, अतीत सवाल नहीं होते, मिट्टी से ही गुलाब पैदा होते हैं। मात्र मुठिया बीतने से इंकलाब नहीं होते, चिंगारियों में हम सबको पैदा होना पड़ेगा और हमें द्वारा अपने अंदर भयंकर रूप से जलाने की आवश्यकता है। उसी अन्ना हजारे को प्रणाम करते हुए उस रामदेव की द्वारा से एक बहुत बड़ी एक चिंगारी यूथ अगेंस्ट करप्शन के माध्यम से इस देश के युवा को जागृत करने का प्रमाण यूथ अगेंस्ट करप्शन को कर रहा है पूरे देश भर में। और एक युवा और सिर्फ देश भर में नहीं है, तो आज के दिन विदेशों में भी लगभग 40 देशों में भी आज प्रदर्शन हो रहे हैं। इसलिए सिर्फ हम यहाँ सैकड़ों की संख्या में बैठे हैं और सिर्फ मेवात में हो रहा है, ऐसा नहीं है। पूरे दुनिया में आज भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन लड़ रहे हैं। इसका कारण सिर्फ एक है, यदि संसार में विश्व में कोई देश ऐसा है जिसको जन्नत कहा जाता है, जिसको हम स्वर्णिम भारत कहते हैं, वो अपना भारत है। उस भारत को बचाने का ध्येय हम सबका होना चाहिए। इसलिए कभी एक बात कही कि संघर्षों के साये में असली जवानी पड़ती है, संघर्षों के साये में असली जवानी पड़ती है। जिस और जमाना चलता है उस और जवानी चलती है। इसलिए जवानी को समाज के काम में लगाने की जरूरत है। समाज के काम में जो एक एक युवा अब अपने आप को अन्ना हजारे समझे, भगत सिंह समझे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि सिर्फ ये जो लड़ाई मैं अन्ना हजारे को इसलिए भी बधाई देता हूँ, मुझे खुद बहुत गर्व होता है कि अन्ना हजारे ने क्या काम किया। तो इस देश के युवा को ये बता दिया कि आपके भीतर वो पावर है, आप ये कर सकते हो। और यहाँ जितने मेरे बुजुर्ग बैठे हैं मैं उनको जोर नहीं दूंगा, फिर मैं इतना कहता हूँ कि अब युवाओं को हर खुली सूट में उड़ने दो, उड़ने दो उसको। और इस देश में मैं आप होता हूँ सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर इस देश की तस्वीर बदल जाएगी, जिस दिन इस देश का युवा पूरी तरह जाग जाएगा। अभी आपने सुना होगा मिस्र के अंदर क्रांति हुई, मात्र 4% युवाओं ने इस देश मिस्र के अंदर और वहां सत्ता परिवर्तन कर दिया। हमारे पास तो 52% युवा है। मनमोहन जी अगले 2014 में आपको क्या अवकाश रहेगी हम आपको बताएंगे। इसलिए आप सबसे आह्वान करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ इस देश की युवा शक्ति को, इस देश के छात्र शक्ति को, एक उमंग के साथ एक जोश के साथ हम सब मिलके एक नया भारत बनाए। क्योंकि जिस प्रकार से कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था, कुछ लोग मिलते रहे और कारवा बनता रहा, आज लाखों लोग सड़कों पे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। और मैं सिर्फ एक बात और मन से कहना चाहता हूँ कि सोनिया गांधी जी आप 1974 की अपनी जो सासु थी इंदिरा गांधी की सत्ता परिवर्तन कैसे होता है वो आपको हम बताएंगे। 1974 में जेपी मोहन मेरे बाबू जी बैठे जसवंत जी, वो कह रहे थे इंदिरा गांधी के भ्रष्टाचार। तो मैं जसवंत जी को भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ इस देश की युवा शक्ति के सामने कि 1974 में दुनिया में परिवर्तन किया वो इस देश का छात्र था, इस देश का युवा था। और इस देश का युवा एक बार फिर जागा है, उस कांग्रेस सरकार को नीचा करने का काम इस बार इस देश का युवा करने वाला है, इसी आकार विश्वास के साथ। और मैं आप सबका समर्थन यहाँ से ले जाके फरीदाबाद दिखाना चाहता हूँ कि इस देश का मेरा जिला बहुत प्रभावी रूप से बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया है। मैं आप सबके साथ एक उद्घोष के साथ एक उद्घोष, ऐसे नहीं करना है, इस खुले पंजे ने देश को बहुत दूर किया है। अब नहीं होगा ये पंजा, अब ये होगा, मुझसे कहा हम करेंगे। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ एक उद्घोष के साथ सीधा खड़े करिए आप और एक साथ मेरे मुझे समर्थन दीजिए कि हम साथ रहकर भारत बनेगा।